सो आज मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी है, कॉमन है बट बहुत ही स्पेशल है। मतलब आई एम श्योर कि आपने ये गाड़ी या तो इस गाड़ी को कभी यूज़ किया होगा, आपकी फैमिली में होगी, फ्रेंड्स में होगी, या फिर आपने इसको ट्रेवल के लिए यूज़ किया होगा। ये गाड़ी टूर एंड ट्रेवल्स वालों की भी फेवरेट है, फैमिलीज़ की भी फेवरेट है। हमारी यूपी पुलिस भी इस गाड़ी को यूज़ करती है और ऑल ओवर इंडिया अलग अलग स्टेट्स की पुलिस भी इस गाड़ी को यूज़ करती है। लोगो देख चुके हैं आप, बहुत सारे लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा। एक बार मैं इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। सो अगर अभी भी आपको इस गाड़ी का अंदाजा नहीं लगा तो मैं आपको गाड़ी के बाहर ले चलता हूँ। सो अब तो सबको पता चल ही गया होगा। सो दिस इज द इनोवा, द फर्स्ट जनरेशन इनोवा फेसलिफ्ट वेरिएंट। ये 2012 मॉडल है और ये गाड़ी अब तक चल चुकी है 2,03,000 किलोमीटर। और इस वीडियो में आपको दूंगा एक ओनरशिप एक्सपीरियंस 10 साल का, कि कैसा एक्सपीरियंस रहा एक टोयोटा के साथ 10 साल का। और ये भी बताऊंगा मैं कि आखिर क्यों टोयोटा टोयोटा है। मतलब ये गाड़ी जब 2012 में फैमिली में आई थी ये गाड़ी, तो इस गाड़ी का प्राइस था 17 लाख रुपये। उस टाइम के हिसाब से भी ये गाड़ी काफ़ी महंगी थी। और आज भी अगर हम देखें तो टोयोटा इनोवा का जो टॉप मॉडल है वो 31 लाख रुपये का आता है। फिर आप फॉर्च्यूनर की बात कर लो तो वो भी बेस वेरियंट ऑन रोड 38 लाख से लेके 60 लाख तक जाता है। तो इतना महंगा होने के बाद भी आज पब्लिक इन गाड़ियों के पीछे इतनी पागल क्यों, इनकी सेल्स कम क्यों नहीं होती है? मतलब जुलाई महीने में अगर टोयोटा की सेल्स को देखा जाए तो सिर्फ इनोवा और फॉर्च्यूनर के दम पे टोयोटा महीने की 20,000 गाड़ियां लगभग बेच रही है अभी भी, इतना प्राइसी होने के बाद भी। और बहुत सारे लोग कहते हैं फीचर्स नहीं देती है, ओवर प्राइज्ड है, तो उन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि आखिर क्यों इतनी पॉपुलर है टोयोटा, और आखिर जो टोयोटा के साथ जो एक चीज़ जुड़ी हुई है कि क्वालिटी है, रिलायबल है, तो आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो टोयोटा अलग करती है और कार मैन्युफैक्चरर से, जो उसकी गाड़ियाँ इतनी रिलायबल लो मेंटेनेंस बन जाती हैं। तो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं, इस गाड़ी के बारे में भी बताऊंगा मैं कि इसमें उस वक्त आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह मिल जाते थे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिपेश, आप देख रहे हैं ड्राइव क्राफ्ट और आप ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 15 अगस्त को देख रहे होंगे। तो अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हर घर तिरंगा साकार करना है, सबको अपने घर पे एक तिरंगा लगाना है। इससे हमारे नेशन की एक सॉलिडैरिटी के बारे में पता चलता है और ये एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो इसको करना है। सो अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस ब्यूटी के बारे में। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशन वगैरह ये सब कुछ सबको पता ही है, तो मैं वो सब बता के आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, मैं जल्दी क्विकली इस चीज़ को कवर कर दूंगा। तो पहला, ये देखिए, ये की मिल जाया करती थी, लॉक और अनलॉक का बटन की पे मिलता था। सो बात कर लें गाड़ी के फ्रंट से, तो काफ़ी सटल सा लुकिंग फ्रंट है। यहाँ पे आपको बड़ा सा टोयोटा का लोगो मिल जाता था। ये है इस गाड़ी के हेडलैम्प्स, कोई भी LED वगैरह नहीं आता था, सब हैलोजन ही है। पीछे फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। ये है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल। इस गाड़ी में आपको 15 इंच के व्हील मिलते थे, आई गेस, लेट मी कंफर्म। जी हाँ, ये है 205/65R15, 15 इंच के व्हील मिलते थे। टॉप मॉडल था, तो उसमें आपको अलॉयज मिल जाते थे, कुछ ऐसे अलॉयज थे सिंपल से। ये IRVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं, एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते थे, क्रोम डोर हैंडल्स मिलते थे। ये देखिए, गाड़ी काफ़ी रफली यूज्ड गाड़ी है ये, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसको बहुत संभाल के इस्तेमाल किया गया, बहुत रगड़ के इस्तेमाल किया गया है। ये इस गाड़ी का रियर, जिसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते थे, और यहाँ पे आपको पीछे का कुछ ऐसा लुक मिल जाता था। पीछे आपको डिफॉगर मिल जाता था, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये है लाइट्स, और यहाँ पे इसका बूट स्पेस, आई गेस गाड़ी लॉक है। सो ये है इस गाड़ी का बूट स्पेस, सारी सीट्स फोल्ड होने के ऊपर होने के बाद भी इतना स्पेस आपको मिल जाता था, जिसमें ठीक ठाक आप बैग्स वगैरह स्टोर कर सकते थे। पीछे के सीट्स में ठीक ठाक स्पेस मिल जाया करता था, जैसे बच्चे बैठ जाएंगे। यहाँ पे आपको भी बोतल होल्डर्स वगैरह मिल जाते थे, रियर एसी वेंट्स मिल जाता था। तो अब चल लेते हैं गाड़ी के अंदर, और मैं बता देता हूँ गाड़ी में आपको स्पेसिफिकेशन और फीचर्स वगैरह क्या उस टाइम पर मिलते थे। उस टाइम पर 17 लाख रुपये आप देते थे, तो आपको क्या क्या मिलता था। सो पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो टिपिकली ये ढेर सारा वाइब्रेशन, एसी को ऑन कर लेते हैं। तो इस गाड़ी में कुछ ऐसा इंटीरियर मिला करता था आपको, कहीं भी सॉफ्ट टच प्लास्टिक वगैरह नहीं यूज़ किए गए, हर जगह हार्ड टच प्लास्टिक है। ये भी हार्ड टच प्लास्टिक है, ये पूरा फेड हो चुका है। पहले ये डार्क ब्राउन कलर का हुआ करता था, ये भी डार्क ब्राउन कलर का हुआ करता था। यहाँ आपको विडन फिनिश मिल जाती है। फीचर्स की अगर बात की जाए तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाया करता था, आपको टच स्क्रीन मिलता था जो कि अब टूट चुका है, इसको जिससे रिप्लेस करना है। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलता था, जिसमें आपको रेंज वगैरह,
क्लॉक, कंपास, रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह मिल जाती थी। और यहाँ पे नीचे आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते थे दो, यहाँ पे आपको मिल जाता था यूएसबी और 3.5 mm जैक। यहाँ पे कुछ डमी बटन्स मिलते थे जिससे आप लाइट्स वगैरह इंस्टॉल करा सकते हैं बाद में। यहाँ पे आपको साइड में जो मिरर है उसके कंट्रोल्स मिल जाते थे। ये हेडलैम्प का लेवलिंग स्विच है, ये इस गाड़ी का इंडिकेटर और हेडलैम्प कंट्रोल्स, और यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स। ये इस गाड़ी की स्टीयरिंग है जिसमें आपको ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल्स और कॉल पिकअप डिस्कनेक्ट करने के यहाँ से मोड, आप ऑडियो सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो। ये डिस्प्ले वाला बटन यहाँ पे जो MID है इसको चेंज करने के लिए यूज होता था। कुछ भी इसमें आपको क्रूज कंट्रोल के लिए नहीं मिलता था। ये स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट एडजस्टेबल मिलती थी उस टाइम पे आपको, और यहाँ पे कुछ आपको सेंटर कंसोल में स्पेस मिल जाती थी। ये है इस गाड़ी का आर्मरेस्ट का स्पेस, ये भी आपको हार्ड टच प्लास्टिक में मिलता था। दरवाजों में आपको स्पेस मिल जाती थी एक बोतल रखने की, और कुछ स्पेस आप सामान और रख सकते थे। उसके बाद बात कर लेते हैं पीछे, तो पीछे इस गाड़ी में भरपूर स्पेस आपको मिलता था। अब जो आगे की सीट है वो मेरी हाइट के साथ एडजस्टेड है, उसके बाद भी मैं आराम से पैर फोल्ड करके यहाँ पे बैठ सकता हूँ। बड़ा सा ग्लास एरिया, यहाँ डेडिकेटेड AC वेंट पीछे यहाँ पे भी, और थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी। यहाँ पे आपको पावर विंडोज वगैरह मिल जाती थी। अगेन दरवाजों में 1 लीटर बॉटल स्टोरेज की जगह मिलती थी। यहाँ सेंटर कंसोल में भी आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते थे। सो दैट्स इट, फीचर्स खत्म। इतने ही फीचर्स मिलते थे इस गाड़ी में, और ज़्यादा फीचर्स टोयोटा नहीं दिया करती थी उस टाइम पे। यहाँ पे सीट्स की कंडीशन आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी काफ़ी रफली यूज़ हुई है, मतलब 10 साल में 2 लाख किलोमीटर इसमें कोई ऐसा संभाल संभाल के नहीं चली ये गाड़ी, बहुत ही रफली यूज़ हुई है। सीट्स देखो, अभी चूंकि आफ्टर मार्केट सीट कवर है तो यहाँ से फट चुकी है। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्ट मिल जाती थी, यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज़ मिलती थी। ये ऑटो डाउन थी, ऑटो अप नहीं था इस वक्त। ये विंडोज़ लॉक करने का फंक्शन और ये लॉक अनलॉक करने का फंक्शन। उसके बाद अगर मैं कंडीशन एज दिखाऊँ गाड़ी की, तो यहाँ आप देख सकते हो ये टूट चुका है, और सिस्टम टूट चुका है गाड़ी का, वो भी रफ यूज़ की वजह से ही। और अब 2 लाख चलने के बाद इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो भी अब लीक किया है, मतलब अब तक इसके सस्पेंशन में कोई भी काम नहीं आया था। अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या क्या काम इस गाड़ी में अब तक आया है। पहले तो मैं इस गाड़ी को बंद कर लेता हूँ, वरना ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती रहेगी। सो अब बात कर लेते हैं कि इस 10 साल में कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ। तो इस गाड़ी की जो क्लच प्लेट चेंज हुई है वो 1,75,000 किलोमीटर पे चेंज हुई है। इस गाड़ी की टाइमिंग चेन चेंज, टाइमिंग बेल्ट जो है वो चेंज हुई है 1.5 लाख किलोमीटर पे। वो भी इसलिए चेंज हुई क्योंकि 1.5 लाख पे ऑटोमेटिकली लाइट अंदर जल जाती है, कोई दिक्कत परेशानी फील नहीं हो रही थी। जस्ट बिकॉज वो लाइट जल गई थी तो जो ओनर है उन्होंने टाइमिंग बेल्ट उसको चेंज करने का डिसीजन लिया। तो टाइमिंग बेल्ट और क्लच प्लेट के अलावा इस गाड़ी में कोई भी मेजर काम नहीं हुआ है आज तक। ये गाड़ी जब आई थी तब भी 10 से 12 का माइलेज शहर में देती थी, आज भी उतना ही माइलेज शहर में देती है। हाईवेज पे 14 से 15 का माइलेज देती थी, आज भी उतना ही माइलेज देती है। नॉर्मल कंज्यूमेबल्स की अगर बात कर ले तो ब्रेक पैड्स और टायर्स वगैरह चेंज हुए हैं फॉर श्योर, नॉर्मल सर्विस भी हुई है। आज भी इस गाड़ी की सर्विस 6,000 से लेकर 8,000 रुपये के बीच में हो जाती है। सो ये है ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस, बस खत्म। 10 साल में इतना ही हुआ है इस गाड़ी में, और यही रीज़न है कि टोयोटा टोयोटा है। टोयोटा ही एक ऐसी कंपनी है जो ये कर सकती है, और इतना आपको मतलब एक कहते ना एक हैजल फ्री स्मूथ ओनरशिप एक्सपीरियंस टोयोटा ही दे सकती है। अब ये हो गया इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। और अभी भी अगर आप बात करो तो इस गाड़ी को बेचने का कोई भी प्लान नहीं है। अब ये गाड़ी फिर से जा रही है, कल शोरूम जाएगी, ये बम्पर वगैरह का काम होगा, टच स्क्रीन वगैरह चेंज होगी, एंड देन फिर अपने काम पे निकल जाएगी। अपना काम फिर जो इसका काम है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लोगों को ले जाना करके, वो ये फिर से करने लग जाएगी। और अभी भी किसी का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि इस गाड़ी को बेचना है, इस गाड़ी को और आगे चलाएंगे। 10 साल हो चुके हैं, 5 साल और रह रहे हैं आई गेस। इस गाड़ी को तब तक चलाएंगे जब ये एकदम ऑब्सोलेट नहीं हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 15 साल की लिमिट मिलती है। तो आखिर ऐसा क्यों है, मतलब क्यों आखिर इसमें ऐसा क्या ऐसा टोयोटा अलग कर रही है अपनी गाड़ियों के साथ कि इस तरह का इस लेवल का कॉन्फिडेंस एक ओनर के अंदर आता है, और क्यों टोयोटा बेच के इंसान टोयोटा ही लेता है। सो अब हम चुके हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं कि आखिर लोग इतना इन गाड़ियों को पसंद क्यों करते हैं। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, और बहुत सारे ऑटोमोबाइल रिव्यूअर्स भी हैं यूट्यूब पे जो कहते हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, ओवर प्राइज्ड है टोयोटा, ये है वो है। तो आखिर लोग लेते क्यों हैं। पहली चीज़ जो सबसे पहली या फिर इकलौती चीज़ जो आप कह लो, टोयोटा के साथ रिलायबिलिटी और हैजल फ्री ओनरशिप एक्सपीरियंस, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग टोयोटा को खरीदते हैं ज़्यादा प्राइस दे के भी। बहुत बड़ा सेगमेंट
जो अभी भी इंडिया में गाड़ियां खरीदने जाता है उसके लिए सबसे बड़ी सबसे जरूरी चीज़ ये होती है कि उसका जो गाड़ी खरीदने के बाद का एक्सपीरियंस हो वो अच्छा हो, मतलब उसमें बार बार उसको शोरूम पे ना जाना पड़े गाड़ी को लेके, पार्ट्स को लेके दिक्कत ना हो, बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट पार्ट रिप्लेसमेंट ना हो, गाड़ी शोरूम से निकले अपना काम करने लग जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का टाइम बहुत ज़रूरी होता है, मतलब बहुत मैक्सिमम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि अपना काम हम छोड़ के गाड़ी को शोरूम पे लेके बनवाने गए हैं, या फिर गाड़ी उन्होंने खरीद रखी है पर उनके यूज़ के लिए यूज़ नहीं हो पा रही क्योंकि गाड़ी शोरूम पे खड़ी किसी इशू की वजह से। तो इन सारी चीज़ों उससे बचने के लिए ही लोग टोयोटा को लेते हैं, रीजन होता है रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। अब बात कर लेते हैं कि रिलायबल ये क्यों होती हैं। अब रिलायबल ये इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें जो इंजन है या फिर जो इनकी बॉडी है या फिर जो फीचर्स वगैरह है, का पर्पज़ ये होता है कि जो कस्टमर रहे उसको एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिले जो लंबे टाइम तक बिना किसी फेलियर के अपना काम करता रहे। इसीलिए इन गाड़ियों को जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले होते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। और अभी ये 2 लाख तो कम है, आपको ऐसी इनोवा बड़े आराम से मिल जाएगी जो 5 लाख 6 लाख किलोमीटर है चल चुकी और अभी भी चल रही है और बड़े आराम से चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर क्यों टोयोटा की गाड़ियाँ ऐसे क्यों इतने ज़्यादा रिलायबल क्यों हैं, क्या है वो डिफरेंट कर रहे हैं और कार मैन्युफैक्चरर से? तो जो गाड़ी होती है उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इंजन एक कंपोनेंट हो गया, गाड़ी की बॉडी एक कंपोनेंट हो गया, देन फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एक कंपोनेंट हो गया। तो मैं कंपोनेंट वाइज आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंट होता है टोयोटा में और कंपनीज से। पहला इंजन, टोयोटा जनरली बड़े इंजन्स यूज़ करती है अपनी गाड़ियों में, मतलब जो छोटे इंजन वाली गाड़ियां हैं वो खैर या तो अब इस वक्त डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं या उनके पास है ही नहीं, या फिर वो किसी और ब्रांड से जैसे कि आपकी अर्बन क्रूजर आ गई या फिर ग्लांजा आ गई, वो बेसिकली मारुति से सोर्स्ड है। टोयोटा की जो खुद की गाड़ियां हैं वो हमेशा बड़े इंजन्स के साथ ही आती हैं, जैसे कि इनोवा हो गई, फॉर्चुनर हो गई, इससे पहले क्वालिस आया करती थी वो भी बड़े इंजन के साथ आती थी। इन सारी गाड़ियों में 2500 cc का इंजन आता है, डीजल इंजन की अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम लोग डीजल इंजन ही प्रेफर करते हैं टोयोटा का, पेट्रोल उतना लोग प्रेफर नहीं करते हैं। इनोवा क्वालिस थी वो 2400 cc का इंजन था, D4D इंजन उसमें भी यूज़ होता था, इसमें भी D4D 2500 cc का इंजन यूज़ होता है, और फॉर्च्यूनर भी 2800 cc या 2800 cc का D4D इंजन ही यूज़ होता है। बड़े इंजन्स क्यों यूज़ करती है टोयोटा? बड़े इंजन्स टोयोटा इसलिए यूज़ करती है कि जो बड़े इंजन्स होते हैं अगर उनको आप ऐसे ट्यून करो कि वो अपनी मैक्सिमम पावर पे ना ऑपरेट करें, जैसे कि ये गाड़ी है ये 2500 cc की है लेकिन ये प्रोड्यूस करती है सिर्फ 100 bhp 100.6 bhp, RPM नोटिस कीजिएगा 3600 RPM पे ये मैक्स पावर पीक पावर प्रोड्यूस कर देती है। टॉर्क की बात करें, ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है, ये 2500 cc का इंजन प्रोड्यूस करता है 200 न्यूटन मीटर का एट 1400 to 3400 RPM। तो आप देखो इसकी जो मैक्सिमम पावर है और मैक्सिमम टॉर्क है ये बड़ा ही एक्सेसिबल है, मतलब आपको गाड़ी को बहुत ज़्यादा रेव नहीं करना पड़ेगा, इंजन पे बहुत स्ट्रेस नहीं डालना पड़ेगा, बहुत ईजिली आप गाड़ी से मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और यही एक रीज़न है कि इनोवा को आप इस वाली इनोवा को आप बड़े आराम से तीसरे गियर में डाल के शहर में बड़े प्यार से बड़े आराम से चला सकते हो, मतलब आपको इशू नहीं होगा, गियर चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे और तीसरे गियर में गाड़ी आराम से 30 की स्पीड से भी उड़ जाती है, क्योंकि 1400 RPM पे इसका इंजन अच्छा खासा टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब जब हम किसी बड़े इंजन से कम पावर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी रेटेड पावर उसके जो मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए वो केपेबल है, जो जिसके कंपोनेंट्स जिस मैक्सिमम पावर को जनरेट करने के केपेबल हैं, उससे जब हम कम पावर प्रोड्यूस करते हैं तो उससे इंजन का वेयर एंड टियर कम हो जाता है। अब होता क्या है कि जब आप एक छोटे इंजन से ज़्यादा पावर एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसको आप उतना ही कॉम्प्लिकेट करते हो, उस और कहीं ना कहीं उनकी जो फोक्स वैगन और मारुति के इंजन से उनकी भी पावर इसके आसपास ही पहुंच जाती थी, 100 bhp के आसपास, फोर्ड मारुति तो नहीं, फोर्ड और फोक्स वैगन दे दिया करते थे, लेकिन उस पावर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उस छोटे इंजन को आपको ज़्यादा रेव करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम पावर 100 bhp की है 3400 RPM पे प्रोड्यूस कर या 3600 RPM पे प्रोड्यूस कर दे रहा है 3600 RPM पे, वो छोटा इंजन शायद 5500 RPM पे या फिर 6000 RPM पे वो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करे, शायद आई डोंट नो स्पेसिफिकली एग्जैक्टली उनका क्या फिगर था, बट ये रूल है कि एक बड़ा इंजन सेम पावर कम RPM पर जनरेट करता है, छोटे इंजन को वही पावर जनरेट करने के लिए ज़्यादा RPM तक रेव करना पड़ता है, ज़्यादा RPM पर रेव करेगी तो ज़्यादा तेज गाड़ी का जो पिस्टन है ज़्यादा तेज ऊपर नीचे होगा और ज़्यादा वियर एंड टीयर होगा, इंजन की लाइफ कम होगी। अब आप कहोगे कि फॉर्च्यूनर में सेम 2800 cc के इंजन के साथ 200 bhp की पावर आती है, तो यार ऐसे तो 2000 cc के महिंद्रा के इंजन के साथ 185 bhp की पावर निकल के आती है, राइट? अब उस 2800 cc के इंजन को अगर प्रॉपरली टोयोटा ट्यून करे, पावर को दिमाग में रख के, रिलायबिलिटी को दिमाग में रख के, सिर्फ पावर को दिमाग में रख के अगर ट्यून करे तो उस इंजन से बड़े आराम से 250 से 300 bhp निकल सकती है इजीली,
अभी भी वो अपनी रेटेड मैक्सिमम कैपेसिटी से कम पे ही चल रहा है। तो ये हो गया इंजन की लॉन्ग लाइफ का रीजन। सिंपल इंजन यूज करो, बड़ा इंजन यूज करो, पावर उसे कम जनरेट कराओ, वेयर एंड टियर कंट्रोल रखो, इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरा, इस गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है, जिस स्ट्रक्चर पे गाड़ी बनी है, बेसिकली बनी है टोयोटा की IMV स्ट्रक्चर पे, जिस पे हाइलक्स जो पिकअप ट्रक आता है टोयोटा को इंटरनेशनली, इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है, उसी प्लेटफॉर्म पे ये इनोवा बनी है, उसी प्लेटफॉर्म पे आपकी फॉर्च्यूनर भी बनी है। वो जो प्लेटफॉर्म है बॉडी ऑन फ्रेम, बेसिकली उसको इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि वो ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और लंबे टाइम तक उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बॉडी गाड़ी की बॉडी रैम में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई चूंचा की आवाज़ नहीं आती, कहीं कोई फेलियर नहीं होता है। आप मर्जी जितनी रफ रोड पे चला लो, खराब रास्ते पे चला लो, तेज चला लो, खुदा दो गड्ढों में, इनके बॉडी में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी के कंपैरिजन में जो मोनोकॉक आता है वो अच्छा आपको भले अच्छी हैंडलिंग देगा, लेकिन उसमें इतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं मिलती है। जो मोनोकॉक है वो खराब नहीं है, पर उसका पर्पस कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी नहीं होता है। उसका पर्पस बेसिकली बेटर हैंडलिंग और मोर कंफर्टेबल राइड, और आपको और एक कार लाइक हैंडलिंग की फीलिंग मिलती है। तो वो चीज़ें टोयोटा को इस गाड़ी से नहीं चाहिए थी। टोयोटा को बेसिकली चाहिए थी एक ऐसी गाड़ी जो कि पहला तो उनका टॉप प्रायोरिटी होती है रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में वो जाने जाते हैं, और दूसरा बड़ी ही पर्पस बिल्ड गाड़ियां वो बनाते हैं। मतलब इस गाड़ी में उनका आइडिया था कि एक पीपल्स कैरियर चाहिए उनको बनानी है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल जिसपे 7 लोग बड़े आराम से कंफर्टेबली ट्रेवल करें, सस्पेंशन अच्छा होना चाहिए, स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए, एसी अच्छा काम करना चाहिए, और ठीक ठाक कंपोनेंट क्रिएचर फीचर्स उनको चाहिए, ज़्यादा ओवर द टॉप कोई फीचर नहीं देना है उनको। तो उस पर्पस के लिए वो प्लेटफॉर्म अभी भी अच्छा है, और आने वाले टाइम में भी जो इनोवा फॉर्च्यूनर आएगी वो इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी, जो कि कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी टोयोटा की टॉप प्रायोरिटी है। इसके बाद बात कर लें जो कंपोनेंट्स इंजन में यूज़ होते हैं, या फिर गाड़ी में जो नट्स एंड बोल्ट्स यूज़ होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल्स यूज़ होते हैं, उनकी क्वालिटी टोयोटा हमेशा अच्छी मेंटेन करके चलता है। उनकी क्वालिटी भी टोयोटा ऐसी मेंटेन करके चलता है जिसमें लॉन्ग लाइफ अश्योर हो, बहुत लंबे टाइम तक कोई फॉल्ट ना। अब इस गाड़ी में 10 साल हो चुके हैं, इस गाड़ी का एक भी इलेक्ट्रिकल बटन आज तक रिप्लेस नहीं हुआ है, और एक भी बटन इस वक्त गाड़ी में ऐसा नहीं है जो काम अपना ना कर रहा हो। अब जो कि मैं एक मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसमें से मेरा एक फ्रेंड है जो उत्तराखंड की एक कंपनी में काम करता था, जो वेंडर मैं नाम नहीं लूंगा, वेंडर कंपनी है टोयोटा की, मारुति की, बजाज की, होंडा की, उन इन सारी कंपनीज के लिए वो गियर्स बनाती थी। तो उसमें होता क्या है कि जो कस्टमर होता है, जो कि कंपनी, जैसे टोयोटा कस्टमर हो गया, मारुति कस्टमर हो गई, जो कंपनी होती है, जैसे टोयोटा क्या करेगी, जिसको जो पार्ट चाहिए उसका एक डायमेंशन वेंडर को दे देती है कि मुझे इस डायमेंशन के हिसाब से गियर स्प्रॉकेट या फिर गियर या फिर स्प्रॉकेट चाहिए। कभी भी कोई प्रोडक्ट एग्जैक्टली स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एक टर्म यूज़ करते हैं टॉलरेंस। सपोज हमें चाहिए किसी चीज़ में 4 सेंटीमीटर की डेप्थ, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जो 1000 लॉट बने उसमें एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर की ही डेप्थ हो उस पार्ट में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इसको हम टॉलरेंस कहते हैं उस रेंज को। तो जो ये ऊपर नीचे की रेंज होती है ना, वो टोयोटा में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि इनके पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त वेंडर्स की नानी याद आ जाती है। मतलब टॉलरेंस लिमिट मारुति में ज़्यादा होगी, टोयोटा में टॉलरेंस लिमिट बहुत स्ट्रिक्ट होती है, और उसके बाद भी जो उनके क्वालिटी इंजीनियर्स होते हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग करती हैं कि अगर लॉट में उनको 2-4 पीसेस भी टॉलरेंस के हिसाब से नहीं मिला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो वो क्या करेंगे, सीधे वेंडर के इंजीनियर को कॉल करेंगे, तो वो लॉट रिजेक्ट कर देंगे पूरा, या फिर वेंडर के इंजीनियर को कॉल करेंगे, उसको बुलाएंगे और बताएंगे कि समझाओ ऐसा हुआ क्यों, स्पेसिफिकेशन दिखाओ, शीट दिखाओ, क्या गलती कर दी, ये लॉट नहीं लेंगे हम। तो इतनी स्ट्रिक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स हैं टोयोटा के, और ये कोई मैं पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कर रहा हूँ, या वो कोई रिव्यूअर बताएगा नहीं, मैं ये एक अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। तो इतना स्ट्रिक्ट इनका कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स इनकी गाड़ियों में लगते हैं, इनकी टॉलरेंस लिमिट बहुत कम है, इन्हें वेंडर से एकदम एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो कंपोनेंट की क्वालिटी भी अच्छी यूज़ करते हैं। तीसरा फैक्टर ये। चौथा फैक्टर जिसके लिए लोग अक्सर टोयोटा को कोसते हैं, फीचर्स। अब टोयोटा में क्या है कि फीचर्स आपको कम मिलते हैं, उतने ही मिलते हैं जितने ज़रूरी हैं, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। मतलब उसमें आपको यहाँ से वहाँ 10 इंच की स्क्रीन नहीं मिलेगी, आपको 25 स्पीकर का सराउंड साउंड मिल जाए, आपको ये छत ही खुल के अलग हो जाए, ये सब नहीं मिलता, क्योंकि ये गाड़ी का कोर पर्पस नहीं है। ज़्यादा फीचर्स का मतलब आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, ज़्यादा उस पर स्ट्रेस डाल रहे हो, उतनी हैवी वायरिंग करोगे, उतने सेंसर्स ऐड करोगे, उतने ज़्यादा पॉइंट्स ऐड कर रहे हो जो कि बाद में इशू क्रिएट कर सकता है। टोयोटा की ये फिलॉसफी कभी रही ही नहीं, इसलिए लोग कोसते भी हैं। जो भी आजकल के रिव्यूअर्स को भी देखता, मैक्सिमम कहते हैं फीचर कम देते हैं, उतने फीचर देती है जितने में आपकी गाड़ी आराम से चल जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो,
है ना, बहुत सारे लोग को उनसे मतलब ही नहीं था। पर्सनली मुझे भी इतना ज्यादा फीचर से मतलब नहीं होता। अब कुछ कंपनियां हैं जिनके इंफोटेनमेंट सिस्टम से आप खाना ऑर्डर कर सकते हो, क्या पर्पज है उसका? सीरियसली कोई सेंस बनता है इस बात का? आप फोन से खाना ऑर्डर कर रहे हो उससे खुश नहीं हो? आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आप होरोस्कोप क्यों नाम घुमाओ, एक्सयूवी के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आप होरोस्कोप पढ़ सकते हो, क्या मतलब बनता है कुछ इन फीचर्स का? आप सिर्फ कॉम्प्लिकेट ही तो कर रहे हो चीजों को, तो कम कॉम्प्लिकेटेड रखो, सिंपल रखो, फिर चाहे वो इंजन सिंपल रखो, आप इंफोटेनमेंट सिस्टम अपना इलेक्ट्रिकल सिंपल रखो, आपको इश्यूज कम फील होंगे। इसीलिए टोयोटा फीचर्स भी कम देती है, सिंपलर इंजन, टफर स्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स और लेसर फीचर्स, यही रेसिपी है रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की, जिसके लिए टोयोटा जानी जाती है। आप चाहे मर्जी जितनी सिर माथा पटक लो, नहीं देगी टोयोटा इनोवा में कभी सनरूफ और फॉर्चुनर में कभी सनरूफ, क्योंकि उसके कस्टमर्स को उससे मतलब ही नहीं है ना। इनफैक्ट मुझे भी कोई मतलब, मेरी घर पे भी ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें सनरूफ है, पैनोरमिक सनरूफ है, मुझे लगता है मैंने गिनती 4-5 बार खोला होगा, उससे ज्यादा खोला ही नहीं कभी सनरूफ को। तो बहुत सारे लोगों को ना रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी, एक इजी ओनरशिप एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है, और उन लोग को ही टोयोटा की गाड़ियां पसंद आती हैं। और देखिए, गाड़ी एक बात आपको एज अ कस्टमर कंज्यूमर क्लियर होनी चाहिए, आप एज अ कस्टमर जाते हो शोरूम पे गाड़ी लेने, आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट खोजते हो, कंपनी को चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, पैसा तो वो आपसे लेगी, फिर चाहे वो आपसे गाड़ी की दाम बढ़ा के पैसा ले ले, फिर गाड़ी सस्ती करके आपको बेच दे और बाद में पार्ट्स के नाम पे पैसा ले। ऑब्वियस ही बात है, कोई कंपनी अगर आपको 30 लाख में वही फीचर्स दे रही है जो 40 लाख 50 लाख की गाड़ी में आता है, अब कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइजेस होंगे। हो सकता है आपको इंटीरियर बढ़िया मिल जाए, यहाँ पर सॉफ्ट टच मिल जाए, यहाँ पर बड़ा स्क्रीन मिल जाए, क्या भरोसा आपकी कंपनी जो 30 लाख की गाड़ी दे रही है उसके इंजन में कुछ कटौती कर दे, सस्पेंशन कुछ हल्का बना दे, फ्रेम कुछ हल्का बना दे, और बाद में फिर आप हर 3-4 महीने पे कुछ खराब, 1 साल बाद 2 साल बाद हर 3-4 महीने पे आपकी गाड़ी शोरूम पे खड़ी है और आप हजारों का बिल बनवा के आ रहे हो, उसके बाद जो आपका टाइम जाएगा, जो स्ट्रेस आएगा, उसकी वैल्यू अगर आप ऐड कर दो ना सारी चीज़ों की, तो आपको कहीं ना कहीं वो गाड़ी जो सस्ती थी वो भी आपको महंगी ही पड़ जाएगी। तो पैसे तो आपको देने हैं, दो तरीके से दे सकते हो, या तो इकट्ठे एक थोड़ी महंगी गाड़ी ले लो एक रिप्यूटेड ब्रांड टोयोटा जैसे ब्रांड से, उसको एक बार पैसे दे दो और उससे एक ऐसी गाड़ी ले लो जिससे आपको ओनरशिप में हैसल ना हो, आप आराम से बस तेल डलाओ, सर्विस कराओ, टायर चेंज कराओ, ब्रेक पैड चेंज कराओ, गाड़ी को चलाते रहो, आपको ये ना सोचना पड़े कि इशू आ गया तो आप शोरूम पे दौड़ रहे हो, ये सब ना करना पड़े। या फिर आप एक सस्ती गाड़ी ले लो एंड देन फिर उसके मेंटेनेंस में भाग भाग के टाइम बर्बाद करो, पैसे बर्बाद करो और स्ट्रेस अलग से लो। एक गाड़ी कि एक्चुअल इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है जब वो गाड़ी आपके पास ना हो और शोरूम पे खड़ी हो। डाउन टाइम होता है ना किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी मशीन का जो डाउन टाइम होता है वो बड़ा ही खराब माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो यही कुछ रीजंस थे, बाकी आपका खुद का डिसीजन होगा, आप कोई भी गाड़ी लेना चाहो। मुझे कोई टोयोटा पे नहीं कर रही है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, मैं अपनी जो मुझे जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था ताकि आपको कुछ चीज़ों का आइडिया लग जाए कि ये गाड़ी इतनी महंगी क्यों होती है, पहली चीज़। दूसरी, इन गाड़ियों को लोग इतना लेते क्यों हैं। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मुझे पता है कि कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मुझे टोयोटा का फैन बॉय डिक्लेयर करने वाले हैं, बट आई डोंट केयर। मैं आपको हमेशा से एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता आया हूँ, मैं आगे भी आपको वही इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आपके कोई क्वेश्चंस हों तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें, आपको लिंक स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अपना भी अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी टोयोटा की गाड़ी के साथ तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर ख़राब भी है तो भी बताएं। और अगर चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मैं आने वाली वीडियोज़ में और कोशिश करूँगा आपको ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की। तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।